हिंदुस्तान ने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है, हिंदुस्तान एक दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है, हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि जिसमें मैं पंत को खेलता हुआ देखता हूं कि लेफ्ट हैंड में ना सहवाग खेल रहा हो, लेकिन उसके बाद जब खान साहब ने ऐलान कर दिया तो जरा अपनी टीम की तरफ भी देख लेते, ये वक्त है आपको बीच चौराहे पे जूते मारने का, कि आपसे पूछा जाए कि आपने पाकिस्तान की इज्जत को इतना हल्का ले लिया कि आपको जब दिल चाह जो दिल चाह कर लिया। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है लेकिन उनको नीचे का नहीं पता, ठीक है, हम ग्राउंड पे हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में होने वाली 3-1 से सामान्य जीत विशेष जीत में तब बदल गई जब लोगों को यह पता चला कि इस जीत के साथ भारत पहले विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है जिसका मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। साथ ही इस जीत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा जो भारत में शायद ही कुछ अच्छा देख पाते हैं जब से कश्मीर का विशेष दर्जा भारत ने समाप्त किया है कि भारतीय टीम में कुछ तो बात है। इस भारतीय टीम के संबंध में कुछ और चर्चा वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की कुछ और प्रतिक्रिया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, जो कि क्या कहते हैं, खुद भी एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, लीडर रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी मच रिस्पेक्टेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज क्रिकेट क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज। उन्होंने भी हालिया रिसेंटली एक मीडिया में, वो इस्लाम में कोई मीडिया ने उसे कुछ सवाल किया क्रिकेट से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या बात की ये थोड़ा सा आप सुनिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। जो बुनियादी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो ठीक कर लिया, जो मैं बड़ी देर से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, ये ठीक हो गई। अब इसमें से वो पाकिस्तानी टीमें बनेंगी जो कि वर्ल्ड बीटर्स होंगी। अभी तक हम अच्छी टीम है, हम वर्ल्ड बीटिंग टीम नहीं बन सके अभी तक। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बुनियादी क्रिकेट स्ट्रक्चर था वो गलत था। हिंदुस्तान ने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है, हिंदुस्तान एक दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है, हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि ठीक नहीं है। हमारा टैलेंट ज्यादा है, मेरे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा टैलेंट है यहाँ, लेकिन हम जो हमें जिस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो हम नहीं दे सकते। तो असल चीज ये है कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ठीक करें जी। तो अब मुझे बताएं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी हमारी क्रिकेट को बेसिकली इंडिया से कंपेयर करते हैं कि कहाँ इंडिया पहुंच गया, कहाँ पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है, तो फिर आई थिंक ये जवाब बड़ा वाजे है अब सबके लिए, उन सबके लिए जो पूछते हैं इंडियन क्रिकेट को आप क्यों इतना कवर करते हैं, कि भाई जो जब एक टीम एक ब्रांड बनी हुई होती है या एक टीम एक बेंचमार्क सेट करती है तो फिर दूसरी टीमें अदर टीम्स इंस्पायर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस वगैरह लेकर एक क्रिकेट हिस्ट्री है, तो हम जाहिर सी बात है हर चीज़ हम इंडिया से ही कंपेयर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करता है। आई थिंक जो इमरान खान ने जो बात की है आप इसको अगर आप सुने तो समझ में आ जाता है कि उनके बैक ऑफ द माइंड भी जहन में यही है कि इंडिया जो है हमसे बेहतर हो गया, हमें भी उतना ही बेहतर होना है। रशी पंत एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मैंने बड़े अरसे के बाद इस तरह का प्लेयर देखा कि जी जिस पे प्रेशर का कोई असर नहीं होता, कि जी अगर 146 पे भी 6 विकेटें गिरी हुई हो तो जिस टाइम वो आके अपनी इनिंग्स शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि जिस तरह इनिंग्स स्टार्ट की हो, और कोई आदमी इनिंग्स स्टार्ट करने में भी इस तरह नहीं खेलता जिस तरह ये खेलता है, क्योंकि जी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इसकी बॉडी पे ये प्रेशर आता ही नहीं है, क्योंकि जी अपने स्ट्रोक्स खेलता है, क्योंकि डजंट मैटर कि जी पिच किस तरह की है, कि 200 पे पहली टीम आउट हुई हुई है, आपके मेन प्लेयर 150 पे 6 आउट हो गए हैं और आप आके अपनी इनिंग्स शुरू करते हैं, तो उसी पेस से जो आपका नेचुरल गेम है आप शुरू करते हैं, और इक्वली गुड क्योंकि जी स्पिनर और फास्ट बॉलरों पे दोनों पे बड़ा जबरदस्त खेलता है, तो देख के मजा आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मैं पंत को खेलता हुआ देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड में ना सहवाग खेल रहा हो, क्योंकि सहवाग के साथ मैं खेला हुआ हूँ, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, हालांकि वो इनिंग स्टार्ट करता था, तो डजंट मैटर कि जी पिच कैसी है, बॉलिंग अगेंस्ट कैसी है, उसने अपने स्ट्रोक्स खेलने होते थे, बेशक मैं फिल्डर बाउंड्री पे पीछे ले रखा हो, सारी फील्डिंग पीछे खड़ी हो, अगर उसको लगता है कि जी इस बॉल को मैं बाहर फेंक सकता हूँ तो वो उसको जरूर ऊंचा खेलता था, उसको नहीं फर्क पड़ता था कि मिड ऑन बेशक है ना पीछे है या आगे है, जो मर्जी है, तो वो अपने नेचुरल स्ट्रोक खेलता था। तो उसके बाद है ना मैंने ये वाला प्लेयर देखा है रशी पंत के जी जो इस तरह खेलता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी टीम की पोजीशन क्या है, टीम कितने प्रेशर में है, वो अपने ना स्ट्रोक्स खेलता है, और
सारों से अच्छी बात यह कि ये मैं जब से इसको नोट कर रहा हूँ, यानी कि जी इसने यहाँ ये इंडिया में किया है, इसने ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, वहां उस टाइम ये बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सका था, क्योंकि जी 100 नहीं कर सका था, क्योंकि जी 90 पे आउट हो गया, 80 पे आउट हो गया, लेकिन खेलता ये अपनी इसी पेस से था। तो ये सारों से बड़ी जबरदस्त बात है। मैंने बड़े अरसे के बाद क्रिकेट में ना इस तरह का प्लेयर देखा कि जी सहवाग के बाद, हालांकि उसके भी इंडिया में बड़े ग्रेट प्लेयर्स, क्योंकि जी सचिन था, द्रविड था, अब ये विराट है या रोहित शर्मा है, और भी बहुत सारे प्लेयर है जो खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये खेलना शुरू कर रहा है, जिस तरीके से ये अपनी इनिंग्स का स्टार्ट लेता है, तो ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि यंगस्टर्स और इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीव अपने आप पे, क्योंकि जी ये हैरान कुन है। अभी अभी इमरान का मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ दिनों पहले जब उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया ने अपना सिस्टम चेंज किया तो आज इंडिया वन ऑफ द टॉप टीम्स बनती जा रही है और टैलेंट हमारे पास ज्यादा है, लेकिन हमारा सिस्टम क्योंकि अभी सही नहीं है तो इस वजह से हम वर्ल्ड बीटर नहीं बन पाए अब तक। हम लोग मेरिट नहीं है, हमारा डीमेरिट है, इंडिया में मेरिट आ गया, सीधी सी बात है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरिट एज इट इज इन सिलेक्शन सर, हर जगह पिक करना, जो चेयरमैन को पिक करना उसमें सिलेक्शन, सीईओ को पिक करना उसमें सिलेक्शन, चीफ सिलेक्टर को, कोचेज को, सब में तो वन मैन शो चल रहा है ना। तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है लेकिन उनको नीचे का नहीं पता, ठीक है, हम ग्राउंड पे हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है बिल्कुल। इंडिया को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे ना IPL अगर चला रहे हैं तो पूरी कंपनी की तरह चला रहे हैं, यहाँ पे वन मैन शो नहीं है कि आज रूल चेंज कर देंगे, आज ये, आज तलमी ने बोला था आज ये रूल है, तो कलंदर ने बोला ये, तो वो वहां पे डिफॉल्ट शिफॉल्ट न्यू थी पेमेंट ना ना सर। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी हो गया, अब सबसे बड़ी चीज ये कि आप खुद मुल्क से बाहर रहते हैं, सारी दुनिया में आप विजिट करते हैं, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल टीमों को हमारी जानिब से क्या पैगाम चला गया, जो इतने मुश्किल से 2003 में तो चले दहशतगर्दों ने अटैक किया था, लेकिन ये तो अटैक हमारे अंदर से ही हो गया, ये तो बम हमने खुद फोड़ा है जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर, तो अब इंटरनेशनल प्लेयर्स और टीम्स, जी हमारे बोर्ड के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी, वो तो अल्लाह भला करे, हाँ ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जरूर देना पड़ेगा कि ये PSL जो पाकिस्तान में हुई उसका पूरा चेहरा इमरान खान साहब के सर जाता है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के पर सर जाता है, जिन्होंने जान की बाजी खेल करके भी इस तमाम इवेंट को एक स्पॉटलेस इवेंट बनाया, लेकिन उसके बाद जब खान साहब ने ऐलान कर दिया तो जरा अपनी टीम की तरफ भी देख लेते कि कौन लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग जो मुल्क जिनका मट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको उन गलियों में वापस नहीं जाना जहां पर क्रिकेट खेली जा रही है, उनको उन महल्लों में अपनी शक्लें नहीं दिखानी, ये अपना बोरी और बिस्तरा उठाएंगे और लेके निकल जाएंगे, इसी का मैार ये देखिए कि मुस्कुरा के कहते हैं कि ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, नहीं है वाकई ब्लेम गेम का वक्त, ये वक्त है आपको बीच चौराहे पे जूते मारने का, कि आपसे पूछा जाए कि आपने पाकिस्तान की इज्जत को इतना हल्का ले लिया कि आपको जब दिल चाह जो दिल चाह कर लिया, अरबाब इख्तियार बायोसिक्योर माहौल के को चकना चूर करते हुए, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पूरे पाकिस्तान की इज्जत को दुनिया भर में उछालते रहे और आप उसका कुछ ना कर सके, इस तरह से ये कौम की उम्मीदों पे पानी फेरा जाता है, इस कौम को बेवकूफ बनाया जाता है और चंद अरबाब इख्तियार हमारे जज्बात से खेल के उनको चकना चूर करते हैं, ये जेलों की सलाखों का लफ्ज भी छोटा है इनके लिए, इनको बीच बाजार में खड़े होकर जूते मारने पर, ये है इन लोगों की असल मुकाम इनका, मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि ठीक है जी आइंदा हम एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा करके ये कर लेंगे, आप ना है लोग कहो कि मैं ना है लोग मुझसे नहीं हो रहा, बाहर से किसी को बुलाओ और ये रहा मेरा इस्तीफा, ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई, ऐसे ऐसे कारोबार नहीं चलते, और जब अकरबा परवरी आप पूरे माशरे में सराहियत कर जाए तो उसके नतीजे में उसकी कीमत इज्जत और आबरू के जरिए हमको उतारनी पड़ती है, जो हमने पिछले चंद दिनों के अंदर देखा। भारत ने हाल में ही समाप्त हुई इंग्लैंड के साथ घरेलू टेस्ट क्रिकेट मैच की श्रृंखला 3-1 से जब जीता तो शायद कम लोगों को यह अनुमान होगा कि यह भी एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। भारत का अपने घरेलू मैदान पर यह लगातार 13वीं टेस्ट सीरीज जीत है जो कि एक विश्व कीर्तिमान है। इसके पहले अपने घरेलू मैदान पर लगातार 12 टेस्ट सीरीज जीत कर यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम से था। आप लोगों को यह भी पता होगा कि T20 और वनडे के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है। भारत इस सीरीज के जीत के साथ उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है, उसमें उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और वह मैच जून में खेला जाएगा।
अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुल 12 देशों को टेस्ट मैच खेलने की मंजूरी दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा जारी किए गए टेस्ट मैचों की रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर और पाकिस्तान पांचवें स्थान पर है। भारत का अगर अगस्त 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन को देखा जाए तो भारत ने 12 जीत 4 हार और 1 ड्रा के साथ कुल 17 टेस्ट मैच खेले हैं और यह प्रदर्शन विश्व में सबसे शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। शायद इसी प्रदर्शन के आधार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी विवश होकर, हालांकि वे भारत की तारीफ शायद नहीं करना चाहते हों, तब भी वे विवश होकर बोल पड़े कि भारत की टीम में कुछ तो बात है, हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।